नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम असम के बाइको फेस्टिवल को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने काफी फेस्टिवल्स को कवर किया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए हम बाइको फेस्टिवल के बारे में जो इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट्स है उन्हें कवर करते हैं। बाइको फेस्टिवल जो है ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यतः ये जो फेस्टिवल है ये असम की राभा ट्राइब्स, राभा जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो बाइको फेस्टिवल है ये एनुअली साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू ब्रिंग इन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन, कि अब जो हार्वेस्ट सीजन है तो ये एक अच्छा, हमारे पास जो हार्वेस्ट सीजन है ये अच्छा हार्वेस्ट सीजन रहे, हमें अबंडेंट क्रॉप्स मिले, बहुत ज्यादा क्रॉप्स मिले और हमारी अच्छी हेल्थ हो, गुड हेल्थ रहे, इसके साथ साथ हमें गुड हार्वेस्ट मिले, इन सब चीजों के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक हमारा एंशियंट ट्रेडिशन है और प्रीडोमिनेंटली इसको ऑब्जर्व किया जाता है राभा ट्राइब के द्वारा। हालांकि इसे राभा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, या यूं कहिए कि बाइको फेस्टिवल जो है वो राभा ट्राइब का फेस्टिवल है, लेकिन इसको बाकी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ हार्मोनाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेलिब्रेट करते हैं, कि चलो राभा ट्राइब के लोग करते हैं साथ में हम भी इनके साथ सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फेस्टिवल, और भारत तो भारतीय तो ऐसे ही है, हमें तो बस फेस्टिवल चाहिए, हम तो दूसरे की खुशी में खुश होने वाले लोग हैं। तो इसलिए राभा ट्राइब का ये प्रिडोमिनेंट जो फेस्टिवल है वो राभा ट्राइब का है और बाकी जो कम्युनिटीज है वो भी उनके साथ सेलिब्रेट कर लेती हैं। इस फेस्टिवल में बहुत ही रिचुअल्स होते हैं जिसका एम क्या है, वार्डिंग ऑफ इविल स्पिरिट्स, की जो इविल स्पिरिट्स हैं, बुरी आत्माएं हैं, भूत प्रेत चुड़ैलें वगैरह, उन सारों को भगाया जाए। ब्रिंगिंग गुडविल टू कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें गुडविल आए, सब अच्छे खाएं कमाएं, सारे स्वस्थ रहें, ठीक है। और स्पार्किंग एम्पल रेन्स, अब गुड हार्वेस्ट तो तभी होगा जब अच्छी खासी रेन्स होंगी, बारिशें होंगी, तो ऊपर वाले से मांगा जाता है कि प्रभु अच्छी अच्छी बारिशें देना, हमें खुश रखना, हमारी सारी कम्युनिटी खुश रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, और जबरदस्त हमारे को जो हमारा हार्वेस्ट है वो हमें देखने को मिले। अब देखो आफ्टरनून यानी दोपहर को जो राभा ट्राइब के लोग हैं वो उनका जो ट्रेडिशनल अटायर है उसे पहनते हैं और फिर ड्रम बीट्स के ऊपर डांस करते हैं, राइट। इवनिंग में एक आपने देखा होगा जैसे एक बंडल ऑफ बैम्बू का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, तो इस प्रकार से ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर ये जो राभाज हैं एक्चुअली में ये तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी है, ठीक है। ये लोअर असम के जो गारो हिल्स हैं और वेस्ट बंगाल का जो द्वार रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि पहली बात तो राभा, अब आपके पास एक टॉपिक आता है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, तो इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राभा ट्राइब कौन सी, इनमें से कौन सी ट्राइब है, तो तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी है ये। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः ये असम और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, लेकिन असम में भी गारो हिल्स के जो लोअर असम में गारो हिल्स है वहां पे ये ज्यादा पाई जाती है, और वेस्ट बंगाल का जो द्वार रीजन है वहां पे ये पाई जाती है राभा ट्राइब। ये हमारे भारत में इन स्टेट्स में जो प्लेन ट्राइब्स हैं उनमें एक ट्राइब है, दे आर अमंग द प्लेन्स ट्राइब इन द स्टेट, एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है ये। आप देख सकते हैं कि ये जितना भी मतलब ये फेस्टिवल ये मना रहे हैं उसमें मैंने आपको यही बताया कि ये भगवान से मान रहे हैं कि हमारे अच्छी बारिश हो, एम्पल रेन हो और अच्छा हार्वेस्ट हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है, इसका एक अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर है और डिस्टिंक्टिव इनकी सेलिब्रेशंस हैं, और यही तो है डाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वही है हमारे भारत की क्या है, यूनिकनेस है, बात समझ गए। चलिए अब जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो इस ट्राइब का अपना जो पंडित है वो प्रिस्ट जो है वो भगवान को, जो गॉड ऑफ हार्वेस्ट है यानी उनका वो भगवान जो उन्हें लगता है ये भगवान है जो हार्वेस्ट ज्यादा देगा, उसको प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं। उसके बाद जो ये जो प्रिस्ट है ये जलते हुए कोयलों पर चलता है, ठीक है। प्रिस्ट रन ओवर हॉट कोल्स, जलते हुए कोयलों के ऊपर ये चलते हैं, विच आर लेफ्ट सिमरिंग बाय द फायर, मतलब जलते हुए कोयले जलाए गए, फिर उससे जो वो धीरे धीरे जो जल रहे हैं कोयले, समझ लो, उसके ऊपर से वो चलेगा,
कोयलों के ऊपर से वो पृष्ठ जो है वो चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों करेगा? टू ऑनर द हार्वेस्ट डाइटी, यानी जो डाइटी है जिसको मानते हैं कि वो गॉड ऑफ हार्वेस्ट है, उसे ऑनर करना, उसको प्लीज करना, उसको खुश करना। अभी देखो यहाँ पे इंडिया हो या फिर दुनिया हो, धीरे धीरे जब जहां जहां पे शिक्षा बढ़ती जा रही है वहां वहां पे ये सब चीजें कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसी दुनिया में बहुत ही ऐसी जगहें हैं जहां पे अपनी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कहीं पे बकरियां काट देना है ना, जो एनिमल सेक्रीफाइस है, और कई कई जगह तो हमें जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस भी हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, उस प्रकार से अलग अलग जैसे कईयों के अलग अलग देवी देवता होते हैं, है ना, फिर अलग अलग उनके कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो इसलिए ये जो ट्राइब्स हैं हमारी खासकर, इनके एक बड़े यूनिक कल्चर होते हैं, और इनके जो कल्चर हैं ये अभी भी प्रिजर्व करके इन्होंने रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार से ये भी जो होट कोल है उसके ऊपर से जो पृष्ठ है वो चलेगा, जिसका ये माना जाएगा कि मतलब क्यों ऐसा करना है, टू ऑनर द हार्वेस्ट डाइटी, कि वो भगवान जो है हमारे जिसकी वजह से हमें खाना मिलता है, अच्छा हार्वेस्ट मिलता है, उन्हें हमने ऑनर करना है। फिर जब ये हो जाता है पूरा, यानी जो कोल है ना उसके ऊपर से जलते हुए कोयलों के ऊपर से जो पृष्ठ है वो चलते हैं, उसके बाद फिर महिलाएं जो हैं वो उनके दे वॉश देयर फीट्स, यानी पांव धोती हैं, और फिर उन्हें खाना खिलाया जाता है, एंड सर्व देम फूड। इसके साथ साथ एक और यूनिक कस्टम है राभा ट्राइब का, कि वो अपने फेस पे स्मीयर, स्मीयर का मतलब होता है पोतना, पोतना या लगाना, है ना, जैसे आपने मेकअप लगाया या मेकअप पोता या जो भी चीज़ है, तो स्मीयर, तो स्मीयर द फेसेस विद राइस फ्लोर। तो राइस का फ्लोर जो है ना, अब चावल का जो फ्लोर बचता है वो, उसे अपने फेस पे वो लगाते हैं, पोतते हैं, और राइस बियर जो है वो पोर की जाती है, सर्व की जाती है बाकियों को। तो ये भी एक इनका यूनिक कस्टम है। तो अगर कोई बियर का शौकीन हो तो वो जरूर इस ट्राइब के इस फंक्शन में जाए, तो आपको भी वो बियर पीने को मिलेगी। खैर मैं सर बस मजाक कर रहा हूँ, ताकि इस लाइन से या इस बियर पीने वाले बात से आपको ये जो यूनिक कस्टम है ये दिमाग में छप जाए, कि राभा ट्राइब है जहाँ पे अपने फेस में राइस फ्लोर को लगाया जाता है, उसके साथ साथ बियर जो है वो एक दूसरे को परोसी जाती है। असम, असम को कौन नहीं जानता, असम की ब्यूटी को कौन नहीं जानता, नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक स्केप्स हैं यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे आपको मिलती है, वरदांत हिल्स जो हैं वो इसको इनसर्कल करते हैं, इसके इसको है ना सराउंड करते हैं, इसके साथ साथ डाइवर्स फ्लोरा और फोना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लैंड ऑफ रेड रिवर और लैंड ऑफ ब्लू हिल्स भी असम को कहा जाता है। अब क्योंकि बात असम के चली है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसकी कैपिटल आप सब जानते हैं क्या है, दिसपुर है। इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है, गुवाहाटी। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब उस इनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। इसके साथ साथ इस समय इनके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम को स्टेटहुड मिला था 26 जनवरी 1950 को। असम में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक तो आसमीज, दूसरी बोडो, और एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है बंगाली बराक वैली में, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ साथ असम का जो लिटरेसी रेट है वो है 72.19%। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी कभी सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।